हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में है चटपटी मसालेदार मशरूम और मटर की सब्ज़ी, जिसको आप पराठे और पूरी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने रफली थोड़ा मोटा मोटा ही काट लिया है। 2 टमाटर लिए हैं। इसके बाद 6 से 7 काजू लिए मैंने यहाँ पे। 3 से 4 लहसुन की कलियों को काट के रख दिया है। 1 हरी मिर्च को बीच से काट दिया है। 2 से 3 अदरक के टुकड़े लिए हैं। 1 कटोरी हाफ बॉयल मटर लिए हैं। 1 चम्मच नमक लिया है। 1/2 चम्मच हल्दी ली है। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है। 1/2 चम्मच कस्तूरी मेथी ली है। 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है और 4 से 5 चम्मच घी लिया। 200 ग्राम मशरूम को काट कर धोकर रखा है। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक पैन ले लूँगी और उसमें घी डाल देंगे 2 से 3 चम्मच। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, लहसुन की कलियाँ डाल देंगे, अदरक के टुकड़े भी डाल देंगे साथ में ही। थोड़ा सा चला देंगे। थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने पर इसमें डाल देंगे प्याज। एक मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। इसे भी थोड़ा भून लेंगे। हल्दी डाल देंगे, चला देंगे थोड़ा सा। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि एक इसका हम फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। काजू डाल देंगे इसमें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ठंडा होने के बाद हम इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। इसे ग्राइंडर जार में डाल दूंगी मैं और इसका एक पेस्ट बना लूंगी। अब सेम पैन में मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच घी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे जीरा। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस ज़्यादा नहीं चलाना है इसको, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। और फटाफट से इसके अंदर हम पेस्ट डाल देंगे। अच्छे से चला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। मटर डाल देंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे से। मशरूम भी डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें लगभग 1 कप पानी डाल देंगे। नमक डाल देंगे इसमें।
गरम मसाला डाल देंगे, दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब 5 मिनट इसे ढककर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद चेक करेंगे, सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।